खत्म हो गया। जय हिंद जय। हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा ब्लॉग अशोक सर्जरी ब्लॉग में आपका स्वागत है दिल से दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का सुबह मॉर्निंग देखिए कैसे तो एकदम को दिन प्रतिदिन लोग सोच रहा है कि गर्मी आएगा, हम लोग भी लगा हुआ है, हर ठंडा लग रहा है, हर मौसम भी ढका हुआ है, बारिश का अनुमान लग रहा है दोस्तों, बारिश का मौसम बन चुका है। पता नहीं बारिश तो होगा कि नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन मौसम बहुत एकदम ठंड की तरह बढ़ा दिया है दोस्तों। आप कैसे हो? आशा करता हूँ कि भगवान की कृपा से आप लोग ठीक ही होंगे दोस्तों। और चलिए दोस्तों, आज सुबह सुबह मौसम आप दिखाई दिए दोस्तों, देखिए धनु खड़ा है और बाइक जो सर्विस करवा के लाए हैं वो रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, और ढक के रख दिए हैं। और चलिए दोस्तों, सुबह सुबह चाय पी लेते हैं। दाढ़ी भी मेरा ऐसे देखिए आज संडे का है, बनाने का इच्छा है, संडे संडे बनाते हैं, बीच में भी बना लेते हैं अगर ज़्यादा दिखने लगता है तो। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों मेरा आप लोग से बार बार निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बेल घंटी भी दबाएं और मेरे चैनल पर कमेंट लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। नए यूट्यूबर जो मेरे चैनल पर आए हैं दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ऑल बेल घंटी भी दबाएं। और चलिए, मेरा चाय बन गया है, मेरा वाइफ चाय बना के रखा हुआ घर में टेबल पर, चलिए चाय पी लेते हैं खड़े। मेरा वाइफ भी देखिए बैठी है कितना शानदार से चाय लेके, ठीक है साथियों, चलते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए दोस्तों। और मैंने जो आज का ब्लॉग चालू कर रहे हैं दोस्तों, मैंने ग्रिल के छेदे में यह पुट्टी लगा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और चलिए देखिए क्या क्या सामान लगते हैं उसमें, वो सब सामान मेरे घर में है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए पहला पत्ती लिए दोस्तों, इस पत्ती से काम होगा। और ये लिए, उसके बाद ये देखिए यहाँ पुट्टी रखे हैं, ठीक है, ला के खुला पुट्टी लिए हैं साथियों, क्योंकि बोरी आता है 40 किलो ये मकान में जो लगाए हैं, बोरी का बोरी लाते थे। और अब चलिए और कुछ बर्तन ले लेते हैं, चलिए साथियों, पत्ती से चारों बगल कल कुछ दिए प्लस्तर वाला, और जो भी मुझे आता है दोस्तों, मैं कोई कारीगर नहीं हूँ, मगर मेरे घर में जो कारीगर काम किया है उसी को देख कर मैं आइडिया रखा हूँ, पत्ती रखा था दोस्तों, बोला पत्ती लाया, थोड़ा सा काम है। चलिए साथियों, देखिए हम कैसे पुट्टी लगा रहे हैं, कारीगर के जैसे तो हम काम नहीं करते हैं साथियों, लेकिन
जो कुछ कर लेते हैं कि चिकना लगेगा सर, देखने में अच्छा लगेगा दोस्तों। आप लोग भी घर में अगर ऐसा काम पड़े तो आप लोग खुद कीजिए दोस्तों। छोटा मोटा काम के लिए अगर मिस्त्री रखिएगा तो पैसा भी लगेगा और बैठे हैं तो अभी आपको नुकसान होगा दोस्तों। इसलिए पैसा बचाने के लिए खुद से काम करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। शरीर फिट रहता है दोस्तों और दिमाग भी रहता है। ये साथियों कुकी खाली हो गया, फिर इसमें बोनते हैं आटा की तरह, जब इसका घोल बनाते हैं उसके बाद फिर लगाते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो आपको करते हैं निकलना पड़ रहा है। देख रहे हैं मेरा सारे जितना भी ग्रिल का था निशानी, जहाँ जहाँ ग्रिल का वो लगाए थे कुंडी, वहाँ वहाँ तोड़ाई किए थे दोस्तों, और वहाँ वहाँ कुकिंग टूट गया था, पत्थर तोड़ के उसको जमाया गया था। और आप देखिए उसमें टूटी गैस दी, प्रेस कागज मार देंगे सूखने के बाद, फिर चिकना हो जाएगा और फिर पेंट मार देंगे, फिर काम हो जाएगा बढ़िया, देखने लगेगा, देखने में अच्छा लगने लगेगा साथियों। चलिए यहाँ का काम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हाथ धोते हैं। अब देख लीजिए, देखिए मेरा पुट्टी का काम। चलिए साथियों, आप देखवे कि सुबह से उठ कर दोस्तों हम पुट्टी का कारोबार कर रहे थे, अपने घर में पुट्टी लगा रहे थे दोस्तों। आज का ब्लॉग में आपको बता ही दिए दोस्तों, आज के घर में मैंने दोस्तों पुट्टी का काम किए, और आज का ब्लॉग इसमें बाकी बचे हैं क्या कहते हैं फ्रेश कागज मारना। ये सूखने के बाद फ्रेश कागज मारेंगे इसमें, और इसमें ये देखिए एकदम खुरखुरा जैसा लगाए हैं दोस्तों, क्योंकि गीला हो गया था और हमको कारीगर तो है नहीं फिनिशिंग का दोस्तों, जो उसका मटेरियल घोल बनाने में मैं अच्छी सी बना लूं। जैसा तैसा बना के साट दिया दोस्तों, इतना सा काम था। यहाँ तक जहाँ टूटा फूटा था गीला हो गया, पोछा जो लगाया है पंखा जला देने के बाद साथियों, देखिए पंखा चला दिए, पंखा चला देने से जल्दी से घर सूख जाएगा। ठीक है,
चलिए मेरा वाइफ एकदम दम बदाम भी है। मेरा बेटी का भी आज संडे का छुट्टी है, उस भी सोच रही थी कि मेरे मम्मी पापा आएगा। अब देखिए समय निकालना, मुझे तो जाना ही है कुछ काम से। मेरा फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ आएंगे साथ, उसको कुछ काम है, उसके साथ जाना पड़ेगा हमको भागलपुर। चलिए साथियों, अब आज का ब्लॉग यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। All right, all right, all right.